Hi everyone, welcome and welcome back to my YouTube channel. And today's video is all about foundations. कि मेरे पास three types of foundation हैं and of course मैं सारे ही use कर चुकी हूँ, तो I'll be sharing my recommendations and product reviews, honest product reviews. And yes, if you are oily skin people and if you are looking to buy something new foundation for yourself, then it might be helpful for you. Also ये जो makeup मैंने किया हुआ है, that's a cherry fruit inspired makeup look. मैंने अपने Instagram पे एक series start किया था जिसमें I was doing fruit inspired makeup and this is the last look of that series which is inspired by cherry. और यहाँ मैंने छोटे से cherry भी बनाए हैं which is looking really cute. तो इस look का tutorial मैंने अपने Instagram के reel section में upload किया हुआ है, जिसके description box में आपको सारे ही products की detail, shade, सब कुछ आपको लिखा मिल जाएगा. साथ ही इस video का link भी मैं description box में mention कर दूंगी. तो yes, without any further ado, let's quickly dive into the video. I'll be talking about why should you use foundation. So foundation works better than any BB or CC cream. First of all, they give you better coverage. आपकी staying power बहुत अच्छी रहती है. आपके face पे discoloration, acne, scars या फिर कोई भी pigmentation होती है, सभी को वो hide कर देते हैं. आपका face एकदम even लगता है, healthy लगता है. And yeah, that's all foundation do. Now I'll be talking about types of foundation. So I have three type of foundation. First one is liquid. Second one is a stick foundation and third one is a cushion foundation. Fourth type की जो foundation होता है वो है pancake, जो मेरे पास available नहीं है, but इनको आप damp beauty blender की help से लगा सकते हो. and जो मेरे पास है ही नहीं, मैं उसको review तो नहीं कर सकती हूँ. तो yes, मैं सिर्फ इन तीन को review करूँगी और जल्दी से video start करते हैं. so I am gonna share the first foundation. जब भी मैंने अपना makeup करना start किया था, तो सबसे पहले मैंने यूज़ किया था बेसिकली ओलिविया का फाउंडेशन स्टिक, विच वाज टोटली यूज़लेस. वो बहुत क्रीमी था और मेरा फाउंडेशन बहुत ग्रीज होता था. तभी मैंने सोचा कि नहीं, अभी मुझे मूव करना चाहिए और एक लिक्विड फाउंडेशन अपने लिए लेना चाहिए. तो मैंने लिया था वेट एंड वाइल्ड का ये फोटो फोकस फाउंडेशन एंड आई एम इन द शेड क्लासिक बेज. बट ये शेड मेरे स्किन टोन पर लाइट है, इसी वजह से मैंने इसका एक डार्क शेड का फाउंडेशन भी ले लिया था. और जब भी अब मैं इसको अप्लाई करती हूँ तो मैं दोनों को मिक्स करके तब अपनी स्किन के हिसाब से एक शेड बनाती हूँ और फिर इसे लगाती हूँ. सो दिस फाउंडेशन कम्स विद अ स्पैचुला. वेट, लेट मी शो यू. दिस इज हाउ इट लुक्स एंड आई एम नॉट अ ह्यूज फैन ऑफ द स्पैचुला. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपकी स्किन पर पिम्पल है या कोई भी स्किन इरिटेशन है, आप सेम स्पैचुला से फाउंडेशन लगाओगे, फिर इसको इसी में डाल दोगे, देन नेक्स्ट टाइम जब भी आप फाउंडेशन अप्लाई करोगे तो बहुत चांसेस हैं कि आपके फेस पे फिर से एक्ने निकलेंगे, फिर से पिंपल्स होंगे. इसका प्राइस, क्वांटिटी, एवरीथिंग आई हैव मेंशन राइट हियर. और मैं बात करूँगी इस फाउंडेशन की, तो आई यूज़ टू लव दिस फाउंडेशन अ लॉट. मैंने इसको बहुत यूज़ किया टू बी वेरी ऑनेस्ट. बट अभी इसके बाद मैंने काफ़ी सारे फाउंडेशन ट्राई किए हैं, तो बोल सकते हैं कि मैं काफ़ी सारे फाउंडेशन, काफ़ी सारे ऑप्शन देख चुकी हूँ, तो मुझे अभी इसकी कवरेज उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती. फर्स्ट ऑफ ऑल, ये मीडियम टू फुल कवरेज फाउंडेशन है एंड आई एम नॉट अ ह्यूज फैन ऑफ फुल कवरेज फाउंडेशन. नाउ आई टॉक अबाउट द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ दिस फाउंडेशन. तो ये फाउंडेशन जो है अफोर्डेबल है, ड्रग स्टोर है. आप अगर इसको सेल में लेते हो तो जस्ट हाफ रेट में आ जाएगा. साथ ही कवरेज बहुत अच्छी देता है, आपका फेस एकदम, जैसे कि इसके नाम से पता चलता है, फोटो फोकस फाउंडेशन. तो आप कोई भी सेल्फी ले तो आपका फेस एकदम स्मूथ एंड ब्लर लगता है विदाउट एनी फिल्टर. यस, इसकी स्टेइंग पावर भी ठीक ठाक है, 4-5 आवर्स स्टे करता है और ऑयली स्किन वाले लोगों के लिए अच्छा है. बट अभी आई डोंट लाइक दिस फाउंडेशन, तो आई विल टॉक अबाउट इट कॉन्स. तो क्या है इस फाउंडेशन का, कि अगर आपने इसको अपने पूरे फेस पर लगा लिया है और तभी आप धीरे धीरे ब्लेंड कर रहे हो, तो जब तक आप एक साइड का फाउंडेशन अच्छे से ब्लेंड करोगे, दूसरी साइड का फाउंडेशन बिल्कुल ड्राई हो चुका होगा. फिर वो आप बिल्कुल भी उसको सही नहीं कर सकते हो, नॉट इवन विद योर सेटिंग स्प्रे. आपको क्या करना पड़ेगा, जितने एरिया पर फाउंडेशन आपको पहले लगाना है, सपोज इतने एरिया पर लगाना है, तो पहले यहाँ पर डॉट करके लगा लीजिए, तब ब्लेंड करिए, फिर दूसरे साइड में लगाइएगा. अदरवाइज लेयर अप होता रहेगा और आपका फेस बहुत ज़्यादा हैवी और ऐसा लगेगा कितने सारे लेयर्स आपने लगाए हैं, वो साफ पता चलेगा. तो सबसे पहली चीज़ ये. सेकेंडली, अगर आपने सपोज़ अपना पूरा बेस मेकअप कर लिया है और फिर आप अपना आई मेकअप कर रहे हैं और आपने गलती से भी काजल लगाने के लिए अपनी स्किन को ऐसे कर दिया है, आपके उतने हिस्से का फाउंडेशन फट जाता है, फेड हो जाता है. फिर उसका सिर्फ एक ही इलाज है कि आपको उसके ऊपर फिर से फाउंडेशन लगाना पड़ेगा,
जो कि लेयर अप हो जाता है और मुझे ऐसा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। थर्ड वन, ये स्किन पर बहुत ज़्यादा हैवी फील होता है, अनकम्फर्टेबल लगता है मुझे ये, तो आई कैन नॉट वेयर दिस फाउंडेशन इन डे टाइम और बहुत ज़्यादा हैवी है। साथ ही ये जो जिस तरीके के मैं बता रही हूँ पैचेस पड़ जाते हैं, सपोज़ आप किसी वेडिंग में फाउंडेशन पहन कर गए हो और वहाँ आपने फ़ोन लगाया है बात करने के लिए और इतने एरिया पर आपका वो डिज़ाइन बन गया है, वो बहुत ख़राब लगेगा। तो आई जस्ट डोंट वॉन्ट टू डू दैट विद माई मेकअप। तो येस, आई यूज टू लव दिस फाउंडेशन बट आई डोंट लव दिस वन नाउ। सो दिस इज ऑल अबाउट दीज फाउंडेशन। सेकेंड फाउंडेशन इज फ्रॉम लैक्मे। दिस इज देयर लैक्मे 9 to 5 प्राइम प्लस मैट परफेक्ट कवर फाउंडेशन। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। और ये शेड है न्यूट्रल हनी। मुझे फाउंडेशन PR में रिसीव हुआ था एंड मुझे ये शेड भी उन्हीं लोगों की तरफ से आया था, मुझसे पूछा नहीं गया था, उन्हीं लोगों की तरफ से आया था। और ये शेड काफ़ी एकदम परफेक्ट मैच है मेरी स्किन के हिसाब से। काफ़ी शेड्स इसके भी अवेलेबल हैं फाउंडेशन के और ये फाउंडेशन बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्किन पर हैवी फील नहीं होता, तो जैसे कि इसमें मेंशन है प्राइमर प्लस मैट, तो ये आपके पोर्स एकदम से फिल इन कर देता है। आई हैव इंसर्टेड अ पिक्चर राइट हियर। ये लुक मैंने इस फाउंडेशन को यूज़ करके ही क्रिएट किया था। बेसिकली ये पूरा मेकअप लुक मैंने लैक्मे के ही प्रोडक्ट्स यूज़ करके किया था एंड यू कैन सी माई बेस इज लुकिंग सो गुड। तो दिस फाउंडेशन इज क्वाइट नाइस। ऑल्सो इट हैज़ SPF इन इट एंड यू कैन वियर दिस फाउंडेशन इन डे टाइम। रियली गुड फॉर पीपल हु हैव ऑयली स्किन। काफ़ी देर तक स्टे करता है, 4-5 hours आपकी स्किन पे। और अगर आप और अच्छे से अपने फेस को सेट कर लेते हो सेटिंग स्प्रे से, तभी इसकी स्टेइंग पावर थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये काफ़ी अच्छे से आपकी स्किन पे सेट हो जाता है, आपकी स्किन बिल्कुल भी हैवी फील नहीं करती और बहुत ही फ्लॉलेस सी कवरेज आपको मिलती है। ये भी एक मैट फाउंडेशन है। दी ओनली कॉन आई फील अबाउट दिस फाउंडेशन इज दैट इट कम्स with a spatula too, and I have told you that I am not a huge fan of a spatula, so yes, that's the only thing. तो जब भी मुझे इसे apply करना होता है, मैं अपने back side पर ले लेती हूँ हाथ के and then brush की help से मैं अपने face पे इसको apply करती हूँ। तो yes, this one is quite nice and I just love this one. Now third foundation is my all time favorite. This one is Maybelline Matte Plus Poreless Fit Me Foundation, which is good for normal to oily skin. And अभी मैंने same foundation अपने skin पर लगाया हुआ है। You can see my base is looking so glowy, so pretty. Yes, मैंने highlighter भी लगाया इसलिए मेरा face चमक रहा है। But yes, ये foundation बहुत ही अच्छा है, बहुत ही lightweight है, बहुत easily आपके skin में absorb हो जाता है, एकदम skin की तरह ही लगता है। बहुत हल्का सा foundation है, बिल्कुल भी आपके skin पर heavy feel नहीं होता। आप इसको day time में भी wear कर सकते हो। इट कम्स विद अ पंप, लाइक Maybelline के जो अप फाउंडेशन आते हैं वो पंप के साथ आते हैं, बट दिस वन नो स्पैचुला नो पंप। तो मुझे इसको भी अपने हाथ पर निकालना पड़ता है तभी मैं इसको अप्लाई करती हूँ। बट आई जस्ट लव द कवरेज ऑफ दिस फाउंडेशन। मेरे फेस पर तो बहुत देर तक स्टे करता है फाउंडेशन। सी माई बेस इज लुकिंग सो गुड। मुझे स्माइल लाइन्स पे बहुत ज़्यादा फाउंडेशन की होता है बट स्टिल अभी तक यहाँ पर कोई भी ऐसे लाइन्स नहीं पड़े। आपको बेसिकली क्या करना होता है, जो भी फाउंडेशन आप यूज़ कर रहे हो बस उसकी ब्लेंडिंग पे अच्छे से ध्यान दीजिए। अगर आपने ब्लेंड अच्छे से कर लिया है आपका फाउंडेशन बहुत देर तक स्टे करेगा। तो दिस वन इज़ माई फेवरेट एंड आई नो आप में से बहुत सारे लोगों के पास ऑलरेडी ये फाउंडेशन होगा। साथ ही ये आपको एक ट्यूब में भी मिलता है, अगर आप इसका फुल बॉटल नहीं लेना चाहते हो तभी आप वो ट्यूब ट्राई कर सकते हो, जिसमें आई थिंक आपको सारे शेड्स तो नहीं मिलते बट आई गेस 3-10 आपको ट्यूब में अवेलेबल है। तो यस, दिस इज ऑल अबाउट दिस वन। फोर्थ फाउंडेशन इज फ्रॉम मार्स। दिस इज देयर मार्स ब्लॉसम सॉफ्ट मैट फाउंडेशन एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। एंड दिस फाउंडेशन कम्स विद अ पंप। ये फाउंडेशन के 6 शेड्स आपको मिलेंगे और मेरा जो शेड है 05 है। स्टिल ये मेरे स्किन पर थोड़ा सा लाइट लगता है। इस फाउंडेशन का जो इकलौता कौन है वो यही है कि सिर्फ और सिर्फ 6 शेड्स में अवेलेबल है, विच आई थिंक अच्छी बात नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ट्राई करना चाहिए क्योंकि ये फाउंडेशन बहुत अच्छा है, एकदम ड्यूई से फिनिश आपको मिलती है। मैंने यहाँ पर इसकी पिक्चर इंसर्ट की है। ये बेस मैंने सिर्फ इसको यूज़ करके क्रिएट किया है एंड आई जस्ट लव द फिनिशिंग ऑफ दिस फाउंडेशन। मैं इसमें क्या करती हूँ, क्योंकि ये शेड मेरा लाइट है तो मैं हल्का सा ये वेट एंड वाइल्ड का फाउंडेशन इसमें मिक्स कर लेती हूँ और तभी ये शेड मेरे स्किन के हिसाब से बिल्कुल सुटेबल हो जाता है। तो येस, दिस फाउंडेशन वर्क्स ग्रेट टू फॉर माई स्किन एंड आई
लव द फिनिशिंग। इसका प्राइस भी काफ़ी अफोर्डेबल है एंड द बेस्ट थिंग इज कि ये पंप के साथ अवेलेबल है एंड वॉट एल्स यू वॉन्ट इन योर फाउंडेशन। ये फाउंडेशन भी बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, साथ ही ये नॉर्मल टू ऑयल स्किन वाले लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है। ड्यूई सी फिनिश देता है, एकदम मैट फाउंडेशन नहीं है। तो अगर आप ड्राई स्किन पीपल हैं और आप इसको ट्राई करना चाहते हैं, गिव दिस वन अ ट्राई। ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट अपने फेस को आप पाउडर से सेट मत करिएगा एंड तब ये फाउंडेशन आपके स्किन पे बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा। कि अगर आप बिगनर हो और आप बहुत ज़्यादा हाई एंड फाउंडेशन को बाय नहीं करना चाहते हो, गो फॉर मार्स। एंड इसके जितने भी मेकअप प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल हैं, बट मैं आप इसे फाउंडेशन की बात कर रही हूँ तो येस यू कैन गिव दिस वन अ ट्राई एंड यू विल लव दिस फाउंडेशन। नेक्स्ट एंड द लास्ट लिक्विड फाउंडेशन आई हैव इज दिस लॉरियल 24 आवर इनफेलिबल प्रो मैट फाउंडेशन। आई एम इन द शेड 108 और ये शेड भी थर्ड डार्केस्ट शेड था उस रेंज में एंड स्टिल ये शेड मेरे स्किन पर लाइट लगता है। आई एम लाइक सीरियसली 108 मेरे स्किन पर लाइट लग रहा है तो 1010 लूँगी क्या मैं। एनीवेज आई डोंट नो व्हाई इट हैज़ येलो अंडरटोन और जब भी मैं इसको लगाती हूँ मेरा फेस थोड़ा सा येलो लगता है। इसकी भी पिक्चर मैंने यहाँ इंसर्ट कर दिया, यू कैन सी माई फेस इज़ लुकिंग क्वाइट येलो बट स्टिल आई लव दिस फाउंडेशन। फिनिशिंग इज ओ माई गॉड, ये फाउंडेशन बना ही ऑयली स्किन वाले लोगों के लिए है। इट सेज दैट इट विल गिव यू डेमी मैट फिनिश, आई डोंट अग्री विद दैट। इट वियर अप टू 24 आवर्स, आई डोंट थिंक सो 24 आवर कोई भी फाउंडेशन वेयर करेगा। कवरेज इज मीडियम, आई अग्री ऑन दैट एंड टेक्स्चर इज एलाइट, आई कंप्लीटली अग्री। So yes, this foundation is really nice. I have no cons to say about this foundation. The only thing I want to mention is कि जब भी आप इसको अपने face पर लगा रहे हो, similarly आपको अपने जितने हिस्से पर पहले blend करना है वहाँ पर लगाएं, blend कर लें तभी दूसरे side पर लगाएं। ये भी बहुत जल्दी dry हो जाता है but patches नहीं पड़ते आपके skin पर, that is the best thing। और ये बहुत ज़्यादा देर तक stay करता है face पर, तो yes you can give this one a try और I love this foundation. Maybelline Lakme and this one is my top favorite, like top 3 favorite foundations. Now I will talk about stick foundations और सबसे पहली चीज़ जो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहूँगी, if you have normal dry to normal skin type तभी आपको stick foundations try करना चाहिए। oily skin वाले लोगों के लिए stick foundations बने ही नहीं है, you cannot even try because हमारी skin पे already oil generate होता है। और जब भी आप stick foundation लगाते हो तो थोड़ी देर बाद, मे बी अभी आपने उसको अप्लाई किया तो वो सही लग रहा होगा बट थोड़ी देर बाद वो आपके फेस पर केक ही लगने लगता है, आपका फेस एकदम से ग्रीजी और ऑयली लगेगा, जो कि मुझे लगता है हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं, मुझे तो पर्सनली बिल्कुल पसंद नहीं है। और वैसे भी ऑयली स्किन वाले लोगों के लिए लिक्विड फाउंडेशन ज़्यादा अच्छा काम करते हैं, क्योंकि मेरे पास ही फाउंडेशन हैं तो रिव्यू देना तो बनता है। तो येस आई एम जस्ट गिविंग दैट। तो स्टिक फाउंडेशन में मेरे पास जो पहला फाउंडेशन है वो है माई ग्लैम पोज एच डी फाउंडेशन। इसकी शेड रेंज काफ़ी अच्छी है। मेरे पास ये फाउंडेशन दो डिफरेंट शेड्स में अवेलेबल है, पहला है डिजर्ट बिच, दूसरा है वॉलनट। ये जो शेड है एक्यूरेट शेड है मेरी स्किन टाइप के और इसको मैं यूज़ करती हूँ कंटूरिंग के लिए। मैंने इस फाउंडेशन को यूज़ करके ये वाला लुक क्रिएट किया था और मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगी। पहले मेरा फेस ऐसा लग रहा था बट थोड़ी देर बाद मेरा फेस एकदम ग्रीजी ऑयली लग रहा था। इसकी भी पिक्चर एक ये मैंने यहाँ पर इंसर्ट कर दिया, यू कैन सी माई फेस इज़ लुकिंग बिल्कुल डिफरेंट। तो इसका प्राइस है 599 एंड यू विल गेट ओनली दिस मच क्वान्टिटी विच इज़ क्वाइट लेस। आई एम अ ब्लॉगर तो मेरे तो ये फाउंडेशन यूज़ हो जाते हैं, बट अगर आप रेगुलरली मेकअप नहीं करते हो और कभी कभी करते हो उसके लिए फाउंडेशन चाहिए तो अच्छा होगा आप एक लिक्विड फाउंडेशन अपने ले लो। अगर आप इस फाउंडेशन को एक बार खोल चुके हो, यूज़ कर चुके हो, तभी इसकी शेल्फ लाइफ सिर्फ और सिर्फ 18 महीने हैं, यानी कि 1.5 साल। और ये फाउंडेशन जो है क्रूल्टी फ्री हैं, इसमें यूज़ किए गए हैं विटामिन ई, जोजोबा ऑयल एंड दिस प्रोटेक्ट योर स्किन फ्रॉम यूवी रेज एज वेल। इसकी पैकेजिंग पे सारा इसका डिटेल इन्फॉर्मेशन, इंग्रेडिएंट्स, प्राइस, एवरीथिंग मेंशन है इसी पेज। इनके प्रोज एंड कॉन्स आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो प्रोज इसका ये है, एज अ ब्लॉगर अगर आप ये स्टिक फाउंडेशन यूज़ करते हो, इट विल वर्क ग्रेट। इट विल वर्क ग्रेट फॉर पीपल हु हैव ट्राई टू नॉर्मल स्किन टाइप। ये बहुत ईजिली ब्लेंड हो जाते हैं और एकदम ड्यूई सी फिनिश देते हैं। नाउ आई विल टॉक अबाउट कॉन्स। बहुत जल्दी क्रीज होता है फाउंडेशन ये।
स्टेइंग पावर बिल्कुल भी इसकी अच्छी नहीं है और क्वांटिटी बहुत कम है अकॉर्डिंग टू इट्स प्राइस. नेक्स्ट अप इज फ्रॉम माई ग्लैम इज वेल एंड दिस इज देयर क्लीन ब्यूटी आर्गन ऑयल बीबी फाउंडेशन स्टिक इन द शेड ओक एंड दिस फाउंडेशन इज यूजलेस. आई वॉन्ट इवन से के आई एम अ ब्लॉगर तो मैं इसको यूज़ कर सकती हूँ. नो बिकॉज ये तो है ही इतना ऑयली. आई कैन नॉट इवन टेल यू. ये अभी ख़त्म हो चुका है. मैंने वीडियोज़ बनाने के लिए इसको ख़त्म कर दिया है. बट ये फाउंडेशन बहुत ही ज़्यादा ऑयली. एज आई टोल्ड यू इट हैज़ आर्गन ऑयल इन इट जो कि आपकी स्किन को और ज़्यादा ऑयली बना देता है. तो यू कैन वेयर दिस फाउंडेशन ओनली अगर आप मेकअप वीडियोज़ बना रहे हो. आप इसको घर से बाहर पहनकर नहीं जा सकते हो. आई एम टेलिंग यू ये अजीब सा हो जाएगा, हट जाएगा. और आजकल का तो ट्रेंड हो गया मास्क लगाने का. तो अगर आप इस फाउंडेशन के ऊपर मास्क लगाते हो इतने हिस्से का आपका फाउंडेशन गायब ऊपर ऊपर का रहेगा. आई एम टेलिंग यू प्राइस ऑफ दिस फाउंडेशन स्टिक इज क्वाइट हाई. 950 rupees है विच आई थिंक इज क्वाइट हाई. बट एज अ ब्लॉगर मैं इन प्रोडक्ट्स को रिसीव कर रही हूँ, यूज़ कर रही हूँ. तो आई वॉन्ट कि आप लोग खरीदने से पहले सोच लें, क्योंकि आप लोग अगर अपना पैसा इसमें लगाते हैं मेक श्योर वो प्रोडक्ट भी आपके लिए अच्छा काम करें. अभी बात कर लिया हमने स्टिक फाउंडेशन की, अब मैं बात करूँगी कुशन फाउंडेशन की जो कि सिर्फ मेरे पास एक ही है. ये है शुगर का पावर क्ले SPF 20 बीबी कुशन फाउंडेशन. शेड है इसका 40 ब्रीव. ये शेड भी मेरे स्किन से एक्यूरेट है, बिल्कुल सेम है. इस तरीके की इसकी पैकेजिंग है और ये रहा फाउंडेशन. इसमें आपको ये इस तरीके का पफ मिलता है और अगर आप इसे खोलोगे तो ये आपका फाउंडेशन जिसको आपको प्रेस करना होता है और इस तरीके से फाउंडेशन इसमें से निकलता है. इसको काफ़ी यूज़ कर चुकी हूँ, फिर ख़त्म हो गया. ये शेड जो है ये बहुत ज़्यादा ऑक्सीडाइज होती है मेरी स्किन पर. इसकी कवरेज बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट होती है, बिल्कुल बीबी या सीसी क्रीम की तरह कवरेज देता है मुझे. साथ ही ये आता है मिरर के साथ में, तो आपको अलग से मिरर कैरी करने की ज़रूरत नहीं. एंड इसका अगर ये रिफ़िल, जैसे इसका फाउंडेशन खाली हो जाता है ये, तो आप इसको चेंज कर सकते हो. आपको शुगर के ही ऐप पे ये सारे प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं. इसका प्राइस है 1099 और मुझे ऐसा लगता है उस रेंज में आपको काफ़ी सारे लिक्विड फाउंडेशंस मिलेंगे. इफ़ यू आर समवन आप रोज़ मेकअप नहीं करते, आई एम टेलिंग यू फिर से प्लीज़ बाय ओनली लिक्विड फाउंडेशन. लिक्विड फाउंडेशन वर्क्स बेटर. स्टेइंग पावर अच्छी होती है उनकी और वो बहुत देर तक स्टे करते हैं आपकी स्किन पे. सो गो फॉर दैट. आई विल टॉक अबाउट द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ दिस फाउंडेशन. तो बहुत लाइट वेट फाउंडेशन है, बहुत ही हल्की सी कवरेज देता है, बिल्कुल भी डार्क, बिल्कुल भी हैवी नहीं लगता और आप इसको डे टाइम में वेयर कर सकते हो ऑफकोर्स. और अगर आपकी ड्राई टू नॉर्मल स्किन है तब भी तो यू कैन गो फॉर दिस वन. बट इफ़ यू हैव ऑयली स्किन यू हैव टू सेट योर फेस वेरी नाइसली, अदरवाइज आपका फेस केकी हो सकता है. और आई लव दिस फाउंडेशन. इट कम्स विद अ मिरर तो काफ़ी अच्छा हो जाता है. ज़्यादा आपको अलग से मिरर लेकर जाने की ज़रूरत नहीं है. साथ ही इसके साथ एक पफ भी आता है जिससे आप डायरेक्टली फाउंडेशन अप्लाई कर सकते हो. So yes, I love this one too. So yes, this is all about today's video and I hope you all find this video helpful. Do let me know आप कौन सा foundation अपने लिए choose करोगे and कौन सी skin type है आपकी. और अगर आपकी कोई भी query है you can ask me in the comment box below. For more makeup related videos and pictures you can follow me on my Instagram. My Insta handle is @glamgirlswati. So I'll see you all in my next video. Till then, bye bye and take care.